न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड्स, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड्स, कॉन्टैक्ट लेंसेस एनी कलर रुपीज 99 ऑनवर्ड्स। जो हजरत 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उमरा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा मेन रोड अपोजिट। आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम, आरएच 9 न्यूज में आपका खैर मकदम है। नहमदू नुसल्ली अला रसूलिल करीम। आज माशाल्लाह जामे मस्जिद दारू शफा में जो इजलास हुआ है, उसमें माशाल्लाह हमारे बहुत बड़े शहर के जिम्मेदार हजरात ने शिरकत फरमाई है। और आज इस इजलास में जो बातें तय हुई है, उसमें यही है कि मौजूदा हालात में हम अपने नौजवानों की इस्लाह कैसे करें और ये जो कत्ल व गारत गिरी का सिलसिला चल रहा है उसे कैसे रोकें, और जो ये रातों में पुलिस के चालानात आम शहरी के लिए मुसीबत बन रहे हैं, इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं। इस सिलसिले में गौर व फिक्र किया गया और ये बात तय की गई है कि सिलसिले में महल्लेवारी हम कमेटियां बनाएंगे, जिसमें हर मकतबे फिक्र के लोगों को शामिल किया जाएगा। और हर मस्जिद कमेटी, जो हर मस्जिद के अतराफ में रहने वालों से गुजारिश है कि वो अपने अपने महलों में एक कमेटी, जिसमें हम हर मकतबे फिक्र के लोग रहे, और वो कमेटी जो है एक इस्लाह माशरा कमेटी बनाई जाए। उसका जो ऑफिस रहेगा वो हुसामिया मंजिल पंजेशाम में रहेगा और वहाँ से रब में रहे, तो वहाँ से जो भी हालात रहेंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम जिस अंदाज से उनकी मदद कर सकते हैं करें। इसी सिलसिले में एक बात ये भी तय हुई है कि जो आजकल न्यू हमारे जो कानून पास हुए हैं, हमारे नौजवानों को इससे भी यानी वाकिफ कराना ज़रूरी है, क्योंकि आप जो कानून पास हुए हैं, अभी मौलाना फरमा रहे थे कि वो कानून सुबह से ही नाफिज हो गए माशाल्लाह से, हमारे रात के 12 बजे से अपनी पुलिस हरकत में आ गई है और पुलिस वालों का बेचारों का काम ही से अपने कानून को रूअमल लाना, मगर ये अलग बात है कि वो अपने लोगों पे वो कानून को नहीं लगती, जिस पे चाहे वो अपने कानून को लगा देते हैं। लेकिन आप हजरात से ये गुजारिश है, हर महल्ले में अब अपने एक एक कमेटी बनाइए, इस्लाह माशरा का काम कीजिए और अपने होने वाले महलों में जो बुराइयां हैं उससे कैसे दफ़ा कर सकते हैं उस पर गौर कीजिए। हम तमाम उलमा यहाँ जितने जमा हैं, आपकी खैरखाई में जमा हुए हैं, आपकी हमदर्दी में जमा हुए हैं, और हम उम्मीद रखते हैं जो भी हमारे काम होंगे इंशाल्लाह, अब इसको हम एक रजिस्टर बनाएंगे इंशाल्लाह, बाज़ाब्ता उसको हम उसके रजिस्टर को पहुंचाने के लिए भी इंतज़ाम किया जाएगा। और जमात इस्लामी से भी हमारे सफ़ा बैतुल माल से भी हमारी गुजारिश रहेगी कि हमारे इस काम में वो हमारे साथ दें। और यहाँ जितने तंजीम के उलमाए किराम हैं, मजलिस इल्मिया से भी तशरीफ़ लाए हैं, मौलाना हमारे अकबर निज़ामुद्दीन साहब हजरत तशरीफ़ रखे हैं, मौलाना मुफ्ती खबी साहब भी तशरीफ़ फरमाए हैं, और हमारे मौलाना सादिक मुहिद्दीन साहब भी तशरीफ़ फरमा है, हमारे जनाब नैयर साहब भी तशरीफ़ फरमा है, और हमारे सईद साहब भी तशरीफ़ फरमा है, हमारे जमात इस्लामी से अजहर साहब भी तशरीफ़ फरमा है, मौलाना रियाज साहब रहमानी और माशाल्लाह हजरत भी तशरीफ़ फरमा है, और इसी तरीके से हमारे उमर आबिदीन साहब भी माशाल्लाह इस इजलास में आए हैं, और हमारे अमूदी साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, और हमारे एहसन उम्मीद साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, और मौलाना का नाम काशिफ साहब भी माशाल्लाह हजरत भी तशरीफ़ लाए हैं, सभी मौलाना का नाम भाई लियान निशान बानिम साहब का नाम हजरत बानिम साहब भी तशरीफ़ फरमाएँ। ऐसा ये पूरों के नाम गिनाने की ज़रूरत नहीं है, चेहरों से लोग पूरे जानते हैं माशाल्लाह। हम लोग सिर्फ खिदमत करने के लिए और आपकी भलाई के लिए यहाँ बैठे हैं, हमारी कोई गर्ज नहीं है कि हम आपसे कुछ अपना वाहवा कराएं, बल्कि हमारी इसी इतनी गुजार गुंडागर्दी हमारे शहर में इस कदर बढ़ गई है कि किसी महल्ले में रहने वाले शरीफ लोगों के लिए जीना दुभर हो गया है।
वो अगर मकान बनाना चाहते हैं तो मकान नहीं बना सकते, किराए पर देना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से किराए पर नहीं दे सकते, और अगर फरोख करना चाहते हैं तो भी वो बेचारे परेशान हैं, उनके लिए बड़ी बड़ी रुकावटें हैं। ज़ाहिर है इस सिलसिले में बात अहम बातों पर हमारे मुफ्ती रहमानी साहब ने, गियासुद्दीन रहमानी साहब ने रोशनी डाली है, ज़ाहिर है उस पर और हौस की ज़रूरत है। मेरा मानना यह है कि मसाजिद के निज़ाम को ज़िंदा किया जाए, ऐसे ज़िंदा किया जाए कि फजर की नमाज में पूरे महल्ले के लोग हाजिर रहें। इस सिलसिले में एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो नमाज की दावत दे और लोगों को मस्जिद तक लाए, बड़ों को भी, नौजवानों को भी और बच्चों को भी। इंशाल्लाह इससे बड़ी इस्लाह होगी और इस कोशिश से उन लोगों तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा जो गुंडा गर्दी में नाम रखते हैं और जो दहशत फैलाते हैं, उन तक भी पहुंचना आसान होगा। जब मस्जिद से जुड़ेंगे तो इंशाल्लाह उनमें अल्लाह का डर और खौफ पैदा होगा, नमाजी बनेंगे तो इंशाल्लाह वो नमाज जो है बहुत से बुनकरात ख्वाहिश के रोकने का ज़रिया बनेंगी। लेकिन हमारी मस्जिदें ख़ासतौर पर फजर में मस्जिदें मरसिया खां हैं कि नमाजी न रहे का मंजर पेश कर रही हैं। हमारा फोकस, हमारी कोशिश यह है कि हमारी मस्जिद सज मरमर की बन जाए और ख़ूबसूरत बन जाए, एसी लग जाए। हमने समझ लिया है कि मस्जिद तामीर करने का यही एक मंशा है, हालांकि यह मंशा नहीं है। मस्जिद को आबाद करना, आबाद रखना यह अहम तरीन मकसद है। यही वजह है कि हमारे माशरे में बेदीनी आम है, शादी ब्याह के उनवान से, हर किसी भी उनवान से वो हमारे पास बेदीनी आम है। और एक ख़ास तौर पर तवज्जो की ज़रूरत, जब तक मुसलमान गरीब थे, यहाँ किसी के पास माल दौलत नहीं थी, तो शादियाँ सब शादी सीधी शादियाँ करने पर मजबूर थे। लेकिन बाहर जाने का रास्ता खुला है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फरागत अता फरमाई है, लेकिन मुसलमान उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और वो अपने जो कुछ कमाया है वो कुछ कमाने में शुमार नहीं है। वो हालाँकि दुनिया में दौलतमंद बहुत बड़े दौलतमंद हैं, लेकिन ये मामूली दौलत आ गई तो ऐसे इतरा रहे हैं कि वो फ़ख्र वबाहत में पड़ गए हैं। ज़ाहिर है इनके अंदर जब तक दीनदारी जो बुनियाद है वो पैदा नहीं होगी, कोई इस्लाह काम नहीं आ सकती। ये गोया ये सारे तजावीज़ पर गौर करना ऐसे ही है जैसा झाड़ के पत्तों पर पानी डालकर दर्द को दूर करना है। जब तक उसकी बुनियाद में पानी नहीं पहुँचाया जाएगा जड़ों में, उस वक्त तक झाड़ की तरोताजगी मुश्किल मुमकिन नहीं है। तो इसलिए इन सब बातों को ज़रूर पेश नज़र रखें और कोशिश करें, और ऐसी तजावीज़ मैं आखिरी के साथ अर्ज़ करूँगा कि किसी की नमाज जनाजा न पढ़ाई जाए, तस्वीर का कब्रिस्तान में दफन में जगह न दी जाए, खाई साहब निकाह पढ़ना पढ़ाएँ, तो फिर आप सवाल ये पैदा होता है कि हमारा जो मुजरिमाना माहौल का जो मुशारा बन गया है, वो अगर मर जाएंगे तो आखिर उनकी नमाज जनाजा बाहर पढ़े तस्वीर करेंगे? मुसलमानों को सुबह जगह नहीं देखे तो कहाँ दफन करेंगे? ये सवाल है। इसलिए बुनियाद की तरफ तवज्जो दी जाए, बुनियाद की इस्लाह होंगी तो सारी चीज़ों की इस्लाह होगी। चंद बातें बतौर मारूजा की पेश की गई हैं, अगर किसी की दिल आज़ारी हो हज़रत खान। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज़ RH9 न्यूज़ के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।